जल के संपूर्ण परिवहन में एक हल्का धक्का प्रदान करता है। जल के संपूर्ण परिवहन में एक हल्का धक्का प्रदान करता है। डन। नंबर दो लिखिए, आप पहले सुन लेना। कैन पुश वाटर अप टू स्मॉल हाइट, यानी जो छोटी ऊंचाई के वृक्ष होते हैं ना, वहां तक जल पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई में काम नहीं करता। लिखिए, कम ऊंचाई के वृक्षों में जल को ऊपर की तरफ धकेल सकता है। कम ऊंचाई के वृक्षों में जल को ऊपर की ओर धकेल सकता है। नंबर तीन, पहले सुन लो। दो प्रक्रियाएं होती है पादपों में, एक गटेशन, दूसरी ब्लीडिंग या एक्जुडेशन, बिंदु स्त्रावण और रस स्त्रावण। इनके लिए उत्तरदायी बल रूट प्रेशर होता है। लिखिए आप, गटेशन बिंदु स्त्रावण हिंदी में बोलते हैं तथा रस स्त्रावण यानी एक्जुडेशन के लिए उत्तरदायी होता है। ये दोनों फिनोमिना का ड्राइविंग फोर्स रूट प्रेशर है, गटेशन एंड एक्जुडेशन। दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि होते क्या है ये, तो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और अगली बात है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, किसका? मूलदाब का। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने के कारण जाइलम में जल के अणुओं की श्रृंखलाएं टूट जाती है, एयर बबल आ जाती है, और रात को रिकवरी होती है, मूलदाब उन्हें रीएस्टैब्लिश करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप कोई लिक्विड को स्ट्रो से कंज्यूम कर रहे हैं, एक स्टेज आती है कि आपको वो लिक्विड बहुत अच्छा लगता है और आपके सक्शन का फोर्स बढ़ता जाता है, लेकिन उधर लिक्विड कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर आप उसको स्ट्रो को इधर उधर कोने में लगा के तो फिर आप उस स्ट्रो की हालत देखिएगा, उसमें जगह जगह एयर बबल आ जाते हैं। उन एयर बबल को मिटाने का एक ही उपाय है कि नीचे से एक दाब लगाया जाए, और उसके लिए वो लिक्विड होना जरूरी है। तो रात के समय मृदा में सफिशियंट मृदा जल होगा, क्योंकि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई है, तो उस समय मूल दाब के द्वारा इन एयर बबल्स को मिटाया जाएगा। तो पादप तो ऐसे मिटाएगा, आप फिर स्ट्रो निकाल के एक बूंद रह ना जाए, और फिर स्ट्रो को फेंक के फिर बोतल यस, वो मुंह उसका बहुत संकरा है, नहीं आप तो उसमें जीव डाल के यस अब आया हर बच्चे का एक्सपीरियंस होता है हाँ यही तो जीवन है और क्या। तो हाँ, मतलब दो तरीके कि या तो जैसे स्ट्रो से ऐसे, या फिर स्ट्रो में फूंक मार के उसका उसमें डाल दो और फिर डायरेक्ट बोतल से। हाँ, दोनों तरीके हैं, जो अच्छा लगे तो, लेकिन कोई बूंद रहने जाए उसमें, वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, लिखिए देखिए, ये जो चौथा महत्व लिख रहे हैं ना, अगर ऑप्शन में ये चारों दे रखे हो तो आपकी प्रायोरिटी फोर्थ होगा। लिखिए आप, मूल दाब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान,
जाइलम में मूलदाप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाइलम में दिन के समय वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण मूलदाप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिन के समय वाष्पोत्सर्जन हाँ दिन के समय जाइलम में वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण मूलदाप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाइलम में दिन के समय वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण जो जल श्रृंखलाएं टूट जाती है वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण जो जल श्रृंखलाएं टूट जाती है वाटर चेन जल श्रृंखलाएं टूट जाती है उन्हें रात के समय पुनर्स्थापित करना उन्हें रात के समय पुनर्स्थापित करना है उन्हें रात के समय पुनर्स्थापित करना है ठीक है अगली बात समझ लेना जी एक फैक्ट है ये महत्व हो गए रूट प्रेशर के पादप के लिए क्या है कि लंबे वृक्षों में मूलदाप की परिवहन में कोई खासी भूमिका नहीं होती है अधिकांश पादप अपने जल की जरूरत को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा ही पूरा करते हैं लिखो अलग से लिख देना एक नोट लंबे वृक्षों में जो ऊंचे वृक्ष होते हैं टॉल ट्रीज लंबे वृक्षों में मूलदाप की परिवहन में कोई खास भूमिका नहीं होती है लंबे वृक्षों में मूलदाप की परिवहन में कोई खास भूमिका नहीं होती है कोई खास भूमिका नहीं होती है अधिकांश पादप अपने जल की जरूरत को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा पूरा करते हैं अधिकांश पादप अपने जल की जरूरत को अधिकांश पादप अपने जल की जरूरत को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा पूरा करते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा पूरा करते हैं दैट्स इट ये रूट प्रेशर है बात समझ आ गई सबको याद नहीं करना है समझने की चीज है कि मृदा से खनिज आए जाइलम में जाइलम का जल विभव कम हुआ जल विभव कम होने से जल विभव प्रवणता का अनुसरण करते हुए चारों तरफ की कोशिकाओं से जाइलम में आएगा एक धनात्मक दाब लगाएगा उसका नाम मूलदाब है कब होगा जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा वाष्पीकरण नहीं होगा आर्द्रता ज्यादा होगी कब रात के समय सायंकाल से लेकर सुबह जल्दी तक ऐसा होने की संभावना होती है पादप में क्या क्या रोल प्ले करता है वो हम लिख चुके हैं गटेशन और ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल हाइट तक पुश कर सकता है वॉटर को जब ये एग्जिस्ट करेगा ठीक है लेकिन लंबे वृक्षों में इसका कोई योगदान नहीं है और क्योंकि इतना पावरफुल नहीं होता है मैंने आपको एग्जांपल बताया होगा कि जैसे आप टैप में रबर ट्यूब लगाकर पाइप लगाकर छत तक पानी ले जा सकते हैं एक मंजिल तक दो मंजिल तक ले जा सकते हैं अगर पानी तेज आ रहा है तो लेकिन अगर आप 10 मंजिल तक ले जाना चाहें तो नहीं जाएगा उसके बाद में आपको मोटर लगा के उसे खींचना पड़ेगा क्योंकि इनसफिशियंट है और हर समय मिलता नहीं है रूट प्रेशर पादपों में हर समय नहीं मिलता किसी पर्टिकुलर समय ही मिलता है लेकिन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जब वाष्पोत्सर्जन होगा तब देखने को मिलेगा और वाष्पोत्सर्जन होता ही रहता है डन और जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो परिवहन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा पादप हाइड्रेटेड है जब वाष्पोत्सर्जन होगा तभी परिवहन की आवश्यकता है क्योंकि पत्तियां अपने जल को त्याग रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहां तक वापस जल पहुंचाना पड़ेगा डन चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हेडिंग करिए आप गटेशन बिंदु स्त्राव गटेशन लिखो बिंदु श्रावण पहले समझ लो होता क्या है फिर लिख लेना जैसे जब वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है
जब वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है, तो उन दिनों में अगर सुबह जल्दी आप किसी शाकीय पादप की लीफ टिप पर देखें तो वाटर ड्रॉप दिखती है, वाटर ड्रॉप दिखती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये गटेशन ड्रॉप्स है। अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होती है तो पादप के ऊपर ओस की बूंदे भी दिखाई देती है, लेकिन ओस की बूंदे पूरे पादप पर होगी, लेकिन गटेशन ड्रॉप खाली लीफ की मार्जिन पे होगी, लीफ की मार्जिन पे होगी, जहां वेन एंड हो रही है, जहां वेन एंड हो रही है। बात समझ आ गई। तो जाइलम रस का बूंदों के रूप में पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना बिंदु श्रवण कहलाता है। जाइलम रस का, लिखो लिखो, जाइलम रस का बूंदों के रूप में, जाइलम रस का बूंदों के रूप में, जाइलम रस का बूंदों के रूप में पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना, पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना, पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना बिंदु श्रावण कहलाता है। पर्ण के अक्षतिग्रस्त किनारों से बाहर निकलना बिंदु श्रावण कहलाता है। बिंदु श्रावण कहलाता है। इसके लिए जो बल है वो कौन है, रूट प्रेशर। तो जिन कंडीशन में रूट प्रेशर होगा उन्हीं कंडीशन में बिंदु श्रावण होगा, लेकिन ये केवल शाकीय पादपों में होगा, क्योंकि लंबे वृक्षों में तो रूट प्रेशर काम ही नहीं करेगा, तो उनमें गटेशन नहीं हो सकता। लिखिए आप क्या। हाँ बताता हूँ, बताऊंगा, वेट कर थोड़ा। लिखो आप, लिखो आप, बिंदु श्रावण शाकीय पादपों में, बिंदु श्रावण शाकीय पादपों में मूल दाब के द्वारा संचारित होता है। बिंदु श्रावण शाकीय पादपों में मूल दाब के द्वारा संचारित होता है, मूल दाब के द्वारा संचारित होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट, शाकीय पादपों में होता है और मूल दाब के द्वारा होता है। जिन रंध्रों से ये होता है उन रंध्रों को जल रंध्र हाइडेथ्रोट्स कहते हैं। लिखिए आप, मूल दाब, ये सॉरी, बिंदु श्रावण, बिंदु श्रावण, बिंदु श्रावण हाइडेथोट्स, हाइडेथोट्स हिंदी में कहते हैं जल रंध्रों के द्वारा होता है, और ये दिन रात खुले रहते हैं। बिंदु श्रावण हाइडेथोट्स जल रंध्रों के द्वारा होता है, ये दिन रात खुले रहते हैं।
अरे कुछ नहीं, नहीं इस मुद्दे से बात नहीं, मतलब कंप्लीशन का सिलेबस का आपका चल रहा है ना, तब तक क्या हो जाएगा, मतलब मेरा जो टॉपिक होना है सप्ताह सप्ताह अभी ये पढ़ते हैं मतलब 27 को टॉपिक होना है एज पर शेड्यूल, मतलब कि 27 को फिजियो पढ़ा के निकलना करते हैं यार, करते हैं बात, इसलिए हाँ तो अभी तो पढ़ो, हाँ, ये पीछे रह जाएगा टॉपिक, पहले पढ़ो आराम से, हाँ आज ये आराम से हो जाएगा। तो अब पहले ये तो पढ़ लूं, पहले ये पढ़ा दूं, चलो नोट करूं, फिर करते हैं बातचीत। देखो जिन छिद्रों से होकर वाष्पोत्सर्जन होता है वो तो रंध्र है स्टोमेटा, और जिन जगह से बिंदु स्रावण होता है वो है हाइडे थोड, हाइडे थोड जल रंध्र, और ये दिन और रात खुले रहते हैं, ये दिन और रात खुले रहते हैं। बात समझ आ गई, बोर्ड पे देखिए बाबा, ये घास की ऐसी लीफ होती है, ठीक है, और लीफ की टिप पे जहां वेन एंड हो रही है तो वहां पर आपको गटेशन ड्रॉप देखने को मिलती है। बोर्ड पर देखना कि जैसे कुछ ऐसे पादप हैं शाकीय जिनके अंदर कुछ इस प्रकार की पर्ण होती है, तो इस पर्ण में मुख्य सिराएं एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 मल्टी कोस्टेड वेनेशन है। लीफ सिंपल है अभी भी, लीफ अभी भी सिंपल है, लेकिन वेनेशन मल्टी कोस्टेड है। कैसा है? मल्टी कोस्टेड है। तो हर इस जगह पे क्या देखने को मिलेगी? गटेशन ड्रॉप्स, ठीक है। दिन के समय जब सनलाइट आ जाएगी तो ये ड्रॉप नहीं रहेगी अब, क्योंकि ये जल वाष्पित हो जाएगा। हेलो, लेकिन जो इसमें लवण थे वो यहां पर सफेद पाउडर के रूप में रह जाएंगे, जो ये कंफर्म करता है कि गटेशन ड्रॉप में शुद्ध जल नहीं था, उस जल में लवण घुले हुए थे। और जाइलम में कार्बनिक लवण भी होते हैं और अकार्बनिक लवण भी होते हैं, कार्बनिक लवण भी होते हैं और अकार्बनिक लवण भी होती है, समझ गए। बर्ड्स सुबह सुबह इस पानी को पी जाते हैं, बर्ड्स इस पानी को पी जाते हैं, मतलब इस पानी को कोशिश करते हैं कि वो पी जाएं। इस प्रकार से बर्ड्स अपने मिनरल्स की भी पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि ये गटेशन ड्रॉप्स है वो विद मिनरल है, इसमें जाइलम सैप है। क्या है? जाइलम सैप। और जाइलम सैप में प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में, फास्फोरस ऑर्गेनिक फॉर्म में, सल्फर ऑर्गेनिक फॉर्म में है, डन। और अगर ये जल वाष्प बन के उड़ गया तो यहां पर आपको सफेद पाउडर दिखेगा जो मिनरल्स है, जो गटेशन ड्रॉप्स के साथ बाहर आए थे। करें आगे बात, लिखिए आप। बिंदु स्त्रावण में मुक्त होने वाले जल में, बिंदु स्त्रावण में मुक्त होने वाले जल में अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण घुले हुए रहते हैं। बिंदु स्त्रावण में मुक्त होने वाले जल में अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण घुले हुए रहते हैं, अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण घुले हुए रहते हैं। हो गई बात भाई, हेडिंग करो रस स्त्रावण, हेडिंग करिए रस स्त्रावण। कुछ पर्ण वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, पादप के क्षतिग्रस्त भागों से, पादप के क्षतिग्रस्त भागों से द्रव्य का निकलना क्या कहलाता है? रस स्त्रावण। लिखिए आप, पादप के क्षतिग्रस्त भागों से
पादप के क्षतिग्रस्त भागों से द्रव्य का निकलना, रसस्रावण कहलाता है, उदाहरण नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा, आप सुनना भाई। अगर आप प्लांट को किसी जगह पे ब्लेड से थोड़ा सा कट दे दें तो वहां पर एक द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जैसे खेजड़ी देखी आपने, कितने जनों देख रखी है, खेजड़ी की कटाई होती है, कटाई होने के बाद क्या होता है, जहां जहां एक कुल्हाड़ी से कट लगा तो उन कई जगहों पर कौन सा इकट्ठा हो जाता है, रस स्त्रावण है। क्या होता है, रस स्त्रावण। अफीम होती है ना, कैप्सूल पे चीरा लगाते हैं, कैप्सूल पे चीरा, तो एक सफेद सा पदार्थ आकर जमा हो जाता है जो सूखने पे पूरा काला हो जाता है, समझ गए, सुनहरा भूरे रंग का हो जाता है, तो अफीम ऐसे प्राप्त की जाती है। रबर का जो पादप है ना, उसपे कट लगा के लेटेक्स प्राप्त करते हैं जिसे रबर तैयार किया जाता है। बात समझ आई। एक्रस सेपोटा एक पादप होता है जिसको सामान्य भाषा में चीकू कहते हैं, तो उसके पादप पे कट लगा के जो लेटेक्स प्राप्त किया जाता है उससे आपका च्युइंगम जो होती है वो तैयार की जाती है, उस लेटेक्स से यस च्युइंगम तैयार की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। टोडी पाम एक पादप होता है जिसमें कट लगाकर प्रतिदिन 50 लीटर टोडी एकत्रित की जाती है, और इस टोडी को ताजा गन्ने की रस की तरह पिया जाता है, गर्म करके गुड़ तैयार करते हैं, और अगर किण्वन कर लिया जाए तो एक लोकल एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जो साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है, ताड़ी के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में ताड़ी और इंग्लिश में टोडी कहते हैं। जैसे शुगर केन के 3 यूज है, ताजा रस पीते हैं, गुड़ तैयार करते हैं, और किण्वन करके रम तैयार की जाती है, तो वैसे ही टोडी पाम का जो टोडी है उसको ताजा पिया जाता है, गुड़ बनाया जाता है पाम शुगर या पाम जैगरी, और इसके अलावा किण्वन करके एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ये सब किसके उदाहरण है, एक्जुडेशन के, किसके, एक्जुडेशन के। चलिए, केजड़ी का पादप इतना बड़ा नहीं होता, उसमें रस स्त्रावण प्लस, सुनो बात को, अरे सुन तो लो, जब बिंदु स्त्रावण की बात करते हैं तो वो टोटली रूट प्रेशर से ड्राइव होता है, जब रस स्त्रावण की बात करते हैं तो उसमें रूट प्रेशर प्लस लोकल प्रेशर काम करता है। कौन सा प्रेशर, लोकल प्रेशर, और फ्लोएम पेरिफ्री की तरफ होता है। फ्लोएम किस तरफ होता है, पेरिफ्री की तरफ होता है, परिधि की तरफ होता है। तो अगर आप कट लगाओगे तो फ्लोएम में तो दाब प्रवणता हमेशा देखने को मिलेगी, तो रस स्त्रावण में रूट प्रेशर से ज्यादा योगदान फ्लोएम प्रेशर का भी होता है। तो रस स्त्रावण रूट प्रेशर से भी हो सकता है और फ्लोएम प्रेशर से भी हो सकता है। अगर आप किसी पादप में डीप कट लगाओगे तो रूट प्रेशर काम करेगा, अगर सरफेस पे कट लगाओगे तो खाली फ्लोएम प्रेशर ही सफिशियंट है। अब बात समझ आ गई, डन, दैट्स इट। एक मिनट में हाँ, क्या हुआ, अरे तो थोड़ी है यार, अब मैं कर लूंगा बात, ठीक है। चलिए, क्या जा रहा है जाइलम से, बिंदु स्त्रावण में तो प्योर और प्योर जाइलम ड्रॉप्स बाहर निकली है। रस स्त्रावण में क्या हुआ है कि आपने जहां कट लगाया है, जितना कट लगाया है, जैसे आपने पादप को पूरा ही कट कर दिया तो जाइलम और फ्लोएम दोनों रस निकलेंगे, लेकिन अगर पूरा तो कट करने से रहे,
आप सरफेस पे कट दे रहे हैं तो परिधि की तरफ फ्लोएम होता है या सेकेंडरी कोर्टेक्स होता है, तो लोकल प्रेशर के कारण एक्जुडेशन होता है। करें बात खत्म, दैट्स इट। तो रस स्त्रावण भी मूलदाब के द्वारा होता है लेकिन इसमें लोकल प्रेशर भी काम करता है। चलिए दैट्स इट, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो है गटेशन बिंदु स्त्रावण और वो है एक्जुडेशन रस स्त्रावण। नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल रस स्त्रावण किसी भी पादप में, रबर का प्लांट ट्री होता है, शुगर मेपल एक ट्री होता है, अफीम का पौधा चलो छोटा होता है लेकिन कोडीपाम एक बहुत बड़ा ट्री होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि साग के पादपों में हो, किसी भी वृक्ष के अंदर रस स्त्रावण हो सकता है। बढ़े आगे, ठीक है दैट्स इट। इसके बाद में नोट करिए आप नेक्स्ट, फ्लोएम परिवहन। फ्लोएम परिवहन अलका तेरा डाउट क्लियर कर देता हूं, ये देख लिए, ये बीच में यहां पर जाइलम फ्लोएम है। क्या है? जाइलम फ्लोएम। यहां एक ढीली बंधी हुई कोशिकाएं होती है, एपिथेम टिश्यू कहते हैं उसको। तो जाइलम से जो रस यहाँ एकत्रित होगा तो प्रेशर लगेगा, जब रूट प्रेशर, तो वो इस छिद्र से बाहर आ जाएगा। और ये अनइंजर्ड पार्ट है, ये हाइडेथोड है। क्या है ये? हाइडेथोड। तो इसीलिए लिखा है क्षतिग्रस्त भागों से। क्यों लिखना पड़ा क्षतिग्रस्त भागों से? क्योंकि जो रस स्त्रावण होता है वो क्षतिग्रस्त भागों से होता है। तो यहाँ पर आपको कोई इंजरी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां पर ऑलरेडी पहले से हाइडेथोड उपस्थित है। अगर रूट प्रेशर काम करेगा तो उससे जल की बूंद बाहर आ जाएगी। इसलिए चलिए आगे बात करते हैं। हेडिंग करो फ्लोएम परिवहन। फ्लोएम परिवहन फ्लोएम परिवहन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लोएम परिवहन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करें शुरू। ठीक है, ध्यान से समझना और सुनना। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। कौन से भोजन का? अकार्बनिक या कार्बनिक? कार्बनिक भोजन का। कार्बनिक भोजन का। तो कार्बनिक भोजन का स्रोत से कुंड की तरफ परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसको फ्लोएम परिवहन कहते हैं। कार्बनिक भोजन का सुक्रोज के रूप में, याद है क्या आपको सुक्रोज के रूप में परिवहन? फोटोसिंथेसिस में बताया था मैंने, कार्बनिक भोजन का सुक्रोज के रूप में स्रोत से कुंड की तरफ, सोर्स से सिंक की तरफ, स्रोत से कुंड की तरफ, सोर्स से सिंक की तरफ या स्रोत से कुंड की तरफ, स्रोत से कुंड की तरफ या सोर्स से सिंक की तरफ परिवहन, कार्बनिक भोजन का सोर्स सुक्रोज के रूप में सोर्स से सिंक की तरफ परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है, इसे फ्लोएम परिवहन कहते हैं, इसे फ्लोएम परिवहन कहते हैं। हेडिंग करिए स्रोत। हेडिंग करो स्रोत, सोर्स। हेडिंग करो स्रोत या सोर्स। क्या होता है? पादप का वो भाग जो भोजन का संश्लेषण करता है, जो भोजन बनाता है, ज्यादातर वही सोर्स होता है जैसे पत्तियां। लेकिन कभी कभी जिस भाग में भोजन संचित हो रखा है वो भी स्रोत की तरह कार्य कर सकता है, यदा कदा, पतझड़ के तुरंत बाद में, वसंत ऋतु के प्रारंभ में। पत्तियां तो है ही नहीं, तो अब जड़ क्या हो जाएगी? सोर्स हो जाएगी। और एक व्यक्ति ने कमा कमा के पैसा बैंक में रखा,
व्यक्ति स्रोत है और बैंक है वो सिंक की तरह काम कर रहा है। अब व्यक्ति किसी दिन ऐसे हो जाए अब नहीं कमा रहा, बहुत हो गया, तो फिर बैंक क्या बन जाएगी? सोर्स, और वो खुद क्या बन जाएगा? सिंक बन जाएगा। समझ गए? ऐसे। लेकिन पत्तियों को पहले चाहिए कि वो भोजन बनाकर रूट में स्टोर करे, तभी रूट सिंक सोर्स की तरह कार्य कर सकती है। डन, लिखिए। पादप का वह भाग जो भोजन का संश्लेषण करता है, पादप का वह भाग जो भोजन का संश्लेषण करता है, जैसे पत्तियां, लिखो जैसे पत्तियां, यूजुअली जो हो रहा है वही हम लिख रहे हैं, जैसे पत्तियां, लीव्स, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंक, हेडिंग करो सिंक। कुंड, सिंक, कुंड। कौन सा भाग जिसे भोजन की जरूरत है? हम ये नहीं कह रहे वो संग्रह कर रहा है, जिसे भोजन की जरूरत है, जो खुद बना नहीं पा रहा। लिखिए, पादप का वह भाग जिसे भोजन की जरूरत होती है, पादप का वह भाग जिसे भोजन की जरूरत होती है, पादप का वह भाग जिसे भोजन की जरूरत होती है, ठीक है, जिसे भोजन की जरूरत होती है। तो ज्यादातर हम बात करें तो जड़, ज्यादातर जड़ ही है, क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तो उसे हर समय भोजन की जरूरत रहती है। तो लिख दो जैसे जड़, जैसे जड़। अब उस अपवाद की बात करेंगे, पहले सुन लेना क्या लिखना है, फिर लिखने का काम करना। सामान्यतः पत्तियां स्रोत होती है और जड़ सिंक का कार्य करती है, लेकिन पादप की जरूरत और ऋतु के अनुसार ये परिवर्ती होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। बसंत ऋतु के प्रारंभ में जब पादप पर्ण विहीन है, पादप पर पत्तियां नहीं है, तो जड़ स्रोत बन जाती है और वृद्धि करती हुई कलिकाएं कुंड का कार्य करती है, क्योंकि दे नीड फूड, उन्हें भोजन की जरूरत है नई पत्तियों के निर्माण के लिए। लिखिए, सामान्यतः पादप की पत्तियां स्रोत होती है, सामान्यतः पादप की पत्तियां स्रोत होती है, सामान्यतः पादप की पत्तियां स्रोत होती है तथा जड़ सिंक कुंड का कार्य करती है, तथा जड़ सिंक या कुंड का कार्य करती है, लेकिन पादप की जरूरत, तथा ऋतु के आधार पर, सीजन, ऋतु के आधार पर क्या हो सकता है? स्रोत और कुंड परिवर्तित हो सकते हैं, ऋतु के आधार पर स्रोत तथा सिंक, स्रोत तथा कुंड या सोर्स तथा सिंक परिवर्तित हो सकते हैं, स्रोत तथा कुंड या सोर्स तथा सिंक परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसका मतलब स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तीय है, उत्क्रमणीय है। क्या होता है? उत्क्रमणीय। जैसे इसका उदाहरण, बसंत ऋतु के प्रारंभ में पादप लीफलेस है, क्योंकि उससे पहले पतझड़ आई थी और सारी पत्तियां गिर गए, तो अब जड़ स्रोत का कार्य करेगी और वृद्धि करती हुई कलिकाएं सिंक का कार्य करेगी। लिखिए आप, जैसे बसंत ऋतु के प्रारंभ में
जड़ स्रोत का कार्य करती है तथा वृद्धि करती हुई कलिकाएं, जड़ स्रोत का कार्य करती है तथा वृद्धि करती हुई कलिकाएं तथा वृद्धि करती हुई कलिकाएं कुंड का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन की जरूरत है नई पत्तियों के निर्माण के लिए। वृद्धि करती हुई कलिकाएं सिंक का कार्य करती है क्योंकि इन्हें नई पत्तियों के निर्माण के लिए भोजन की जरूरत है, क्योंकि इन्हें नई पत्तियों के निर्माण के लिए भोजन की जरूरत है, मतलब आवश्यकता है नई पत्तियों के निर्माण के लिए। न्यू फोटोसिंथेटिक मशीनरी यानी प्रकाश संश्लेषी संरचनाओं के निर्माण के लिए इन्हें भोजन की जरूरत है। ठीक है, तो चूंकि स्रोत तथा कुंड परिवर्ती होते हैं अतः फ्लोएम परिवहन द्विदिशीय होता है, दो तरफा होता है, ऊपर से नीचे भी नीचे से ऊपर भी। ये बात पहले भी बता चुका हूं, देखिए आप, चूंकि स्रोत तथा कुंड सोर्स तथा सिंक परिवर्ती होते हैं, चूंकि स्रोत तथा कुंड परिवर्ती होते हैं, परिवर्ती वेरिएबल परिवर्ती होते हैं, अतः फ्लोएम परिवहन द्विदिशीय होता है, बाई डिरेक्शनल। अतः फ्लोएम परिवहन द्विदिशीय बाई डिरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। ठीक है जी, दो बातें लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्लोएम रस की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, और दूसरी बात है कि फ्लोएम रस का रासायनिक संगठन में अधिकता में सुक्रोज प्लस जल है, इसके अलावा अन्य शर्कराएं वृद्धि हार्मोन तथा अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। लिखिए आप, फ्लोएम रस की रासायनिक प्रकृति, एक मिनट रुक जा आपको, फ्लोएम रस की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, फ्लोएम रस की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, लिखिए, फिर लिखिए आप, फ्लोएम रस में मुख्यतः फ्लोएम रस में मुख्यतः सुक्रोज तथा जल होते हैं, सुक्रोज जल में घुला हुआ है, फ्लोएम रस में मुख्यतः सुक्रोज तथा जल होते हैं, लेकिन अन्य शर्कराएं अन्य शर्कराएं अन्य शर्कराएं तथा वृद्धि हार्मोन व अमीनो अम्ल का परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा होता है, का परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम परिवहन को समझाने के लिए जो थ्योरी है उसको बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसी को बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। लिखिए आप, फ्लोएम परिवहन को समझाने के लिए फ्लोएम परिवहन को समझाने के लिए
लिखिए आप नाम ये, मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस प्रस्तुत की गई है। मास फ्लो हाइपोथेसिस, जैसे रसारोहण को समझाने के लिए हमने दो चीजें पढ़ी, क्या, ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर, और हमने कहा कि रूट प्रेशर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो थ्योरी पढ़ी वो कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल पढ़ा जो डिक्सन और जोली ने प्रस्तुत किया। तो वैसे फ्लोएम परिवहन को समझाने के लिए निर्विवाद कौन सी थ्योरी है, मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, संयती प्रवाह परिकल्पना या दाब प्रवाह परिकल्पना। डन, करें इस थ्योरी की बात, ये आप मेरे साथ ड्रॉ करिएगा, ठीक है, हाफ पेज करीब करीब लगेगा, एक साथ ही ड्रॉ करना नहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, ये रेड कलर से जो मैंने बना रखी है ये सह कोशिका है, क्या है ये, सह कोशिका। लड़कियों बातें नहीं करोगे तो ठीक लगेगा, कंपेनियन सेल है ये, क्या है ये, कंपेनियन सेल, और ये सुक्रोज इस कंपेनियन सेल से होते हुए है, चालनी नलिका में आता है। ये जो यहां मैंने बना रखी है, आप सपोज करिए ये चालनी नलिका है, क्या है ये, चालनी नलिका है, यहां आ गया सुक्रोज। एक मिनट रुक जाओ, कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं फिर आप शुरू कर दीजिएगा। आ गया सुक्रोज, अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, तुम बातचीत बंद करो ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप बोलने का अगर शौक है तो मैं कुछ पूछता हूँ। सुक्रोज के यहाँ आने पर साइड डब्ल्यू क्या होगा, अरे वाह, कम हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सही उत्तर देने के लिए, साइड डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ कोई कम कोई अधिक ऐसे डिमोटिवेट कर देते हैं, साई डब्ल्यू कम हो जाता है। तो मैंने बता रखा है आपको, और वहां पर हमने कहा था कि सोल्यूट अगर किसी लिविंग सेल में आएगा तो उसका साई डब्ल्यू कम हो जाएगा। साई डब्ल्यू अगर कम होगा तो जल को सीधा सीधा आमंत्रण है, जल को सीधा सीधा इन्विटेशन है कि जल आ जा, ठीक है, और जल को बस कहीं साई डब्ल्यू कम दिखना चाहिए, तुरंत चप्पल पहन के थोड़ा चढ़ा आता है। तो क्या है जी, कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कुछ जगह पे जाइलम और फ्लोएम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो जल जाइलम से दौड़कर कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम में चप्पल पहन के। अब देखो लड़कियों सुनो तो बात को, अगर जल यहां पर आया है तो सुक्रोज घुल जाएगा उसमें, क्या होगा, सुक्रोज यहाँ पे घुल जाएगा। तो जल के यहां आने से उत्तर सही देना, टीपी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। किसी लिविंग सिस्टम में अगर जल आता है तो टीपी बढ़ता है। तो जल यहां आया, सुक्रोज उसमें घुल गया और टीपी बढ़ गया, टीपी का बढ़ना, टीपी का बढ़ना, बस पर्पस पूरा हुआ। मास फ्लो ये कहता है कि दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर होना चाहिए, दो तीन क्लास पहले ही बताया था, ठीक है ना, दो क्लास पहले, कि मास फ्लो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर के कारण होता है, दाब अंतर के कारण होता है, सोर्स के पास दाब ज्यादा हो गया, सिंक के पास दाब कम हो गया, ये नियर सिंक है, ये नियर सिंक है, फ्लोएम तो पूरा इंटरकनेक्टेड है, तो यहां दाब ज्यादा और यहां दाब कम, तो भोजन बिना रुके बहती हुई नदी के जैसे अधिक दाब से कम दाब की तरफ आ जाएगा, आएगा, यहां पर अधिक दाब है सोर्स के पास और यहां पर कम दाब है,
और मास फ्लो यही होता है, दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर के बिना मास फ्लो नहीं हो सकता। तो दाब अंतर के कारण भोजन सोर्स से आ गया सिंक के पास। अब सिंक पे क्या है, सिंक में आने के बाद इसके तीन फ्यूचर हैं। हटाया जाएगा इसको, क्या करेंगे, हटाएंगे, और तीन तरीके से हटाया जाता है। मेजर पार्ट को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ पार्ट सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पास अपना कोई फूड का सोर्स सिंक के पास नहीं है, इसी में से यूज करेगा होगा। और अगर लिसन, अगर सुक्रोज यहां से हटा लिया गया, लड़कियों फिर उम्मीद है मुझे कि सही जवाब आएगा, सुक्रोज यहां से हटा तो साई डब्ल्यू बढ़ेगा, यस, तो साई डब्ल्यू का बढ़ना, जीवन सफल हो गया मेरा, साई डब्ल्यू का बढ़ना। और जल को कुछ नहीं पता, जल बस ये देखता है कहां साई डब्ल्यू ज्यादा है और कहां साई डब्ल्यू कम है। तो अब की बार वो यहां से वापस चप्पल पहनकर जाइलम में चला जाएगा, और जाइलम में गया जैसे ही, तो ये रूट का जाइलम है, सिंक रूट थी, तो ये रूट का जाइलम है, तो वहां से वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के द्वारा वहीं पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और ये यहां देखना, देखें ये लोडिंग है, क्या है ये लोडिंग, और ये लोडिंग यहां एक्टिव होगी, कैसी होगी एक्टिव, और ये होती है अनलोडिंग, और अनलोडिंग भी एक्टिव होगी, तो ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव, तो लोडिंग एक्टिव है और अनलोडिंग भी एक्टिव है, ये कहानी है, समझ आ गई, एक बार देख लो फिर आप बनाते रहिएगा। मेसोफिल सेल में CO2 और जल की सहायता से भोजन बना ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टिव था तो इसको एंड प्रोडक्ट नहीं कह सकते, तुरंत सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज सह कोशिका की हेल्प से सिव ट्यूब में आया, चालनी नलिका में आया, और इसको लोडिंग कहा जो एक्टिव है। सुक्रोज के आते ही साई डब्ल्यू कम हो गया, इंटरकनेक्टेड जाइलम से जल अंदर आया, दाब बढ़ गया, भोजन अधिक दाब से कम दाब पे गया, हटाते ही साई डब्ल्यू बढ़ गया, और जब बढ़ा तो जल वापस जाइलम में चला गया, और हटाने का काम तीन तरीके से स्टार्ट सेलुलोज और एनर्जी में कन्वर्ट करने का होता है। बना दीजिए, एक डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, रखे हो ना एनसीईआरटी, हाँ ठीक है, इतने कम, यस सर, चलो ठीक है, एनसीईआरटी आपके एहसान तले झुक जाएगी, आपने उसे डेली कैरी किया। ये सही है कि देख के अंदर रखते हैं बाहर निकालते हैं, सही बात है, बहुत निकले नहीं पढ़ने पड़ेगा जब तक पढ़ा रहा हूँ। हो गया, बस अभी तो पढ़ाने का काम थोड़ा तो फेस रहती है, लेकिन खिच खिच लग गई है।
अच्छा कई दिनों बाद दिखाई दे रही है क्लास में, मतलब कई दिनों बाद दिखाई दे रही है, रोज आ रही है। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा ऐसा। अरे ऑनलाइन वाले भी बना रहे हो ना? हाँ जगह पे हो ना तुम लोग, बात कर लूँ तुम लोगों से भी आज। ठीक है लखन, सही नहीं हुई तेरी तबीयत अभी भी? नेहा कैसी है तेरी तबीयत भाई? अभी भी सही नहीं हुई थी, 4-5 दिन हो गए तेरे को ऑनलाइन देते हुए क्लास। तेरी जगह खाली पड़ी है पीछे वाली बेंच, जान तुम बैठती थी। सिंक में लो प्रेशर इसलिए क्योंकि वहां फूड रुकता नहीं है, वहां हटा लिया जाता है वहां से। ठीक है जी, तबीयत सही हो जाए तो फिर क्लास में आ जाना, बाकी तो देखो। हो गया क्या लड़कियों? शिवराम अच्छा चलो पढ़ाई करिएगा, अभी बना लीजिए आप लोग भी। बन गया क्या? बनने से भी ज्यादा जो भी समझ में भी आ गया ना। हाँ, ये एनसीईआरटी के फुल पेज थ्योरी है, जो आराम से इसको देखने से हो जाती है कि कहाँ क्या कन्वर्जन हुआ। पहले ग्लूकोज बना, फिर सुक्रोज बना, फिर लोडिंग हुई कंपेनियन सेल की हेल्प से, फिर साई डब्ल्यू कम हुआ, टीपी बढ़ा जल के आने से, और फूड अधिक दाब से कम दाब पे आ गया और हटा लिया गया 3 तरीके से, स्टार्च सेलुलोज और एनर्जी के फॉर्म में, और फाइनली साई डब्ल्यू सिंक पे कम बजाय बढ़ गया, और जल अब बढ़े हुए साई डब्ल्यू से वापस जाइलम को लौटा दिया गया जहां से उधार लिया था, वहीं लौटा। क्या? हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां साई डब्ल्यू कम हो रहा है वहां साई एस कम हो रहा है, क्योंकि साई डब्ल्यू है क्या, साई एस ही तो है, उसी के कारण से तो गवर्न हो रहा है। डन पाठ्य पुस्तक खोलो तब तक एनसीईआरटी वाली। बैग कहीं देखो, बैग कहीं है कहीं। आ गए क्या? ठीक है देखो, देखिए 1 मिनट लड़कियों, बातें बिल्कुल बंद करिए और फटाफट देखने का काम चालू कीजिए। कंपेनियन सेल, हाँ रेड कलर का वो कंपेनियन सेल है, वाया कंपेनियन सेल हुआ है ना। चलो अब बातें बंद करूं, एक डायग्राम है देखो पेज नंबर 191 पे,
लड़कियों नहीं है बुक तो सुन लेना, आसपास में देख सकते हो तो देख लेना, लेकिन सुनो 191 पे देखो डायग्राम में। इस डायग्राम के अंदर एक लीफ बना रखी है और मुख्य तना बना हुआ है और जड़ बनी हुई है, यही हमें चाहिए, इतनी बात। लीफ है वो सोर्स है, उसके साथ देखो एक थ्योरी लिखी हुई है, शर्करा पर्ण शिव नलिका में प्रविष्ट होती है, जल पराश्रयन का अनुगमन करता है, उच्च स्थिति दाब। सही बात है, ये कह रहा है कि शर्करा के चालनी नलिका में आने से वहां टीपी बढ़ता है। कैसे बढ़ा ये हमने पता कर लिया, पहले साई डब्ल्यू कम हुआ, फिर जल आया और टीपी बढ़ गया तो उच्च स्पीड दाब हो गया। फिर है नीचे देखो, उपापचय भंडार नेतु शर्करा पर्ण शिव नलिका जल प्रश्न द्वारा अनुगमन करता है। इसका मतलब ये है कि जब शर्करा को हटाया जाएगा रूट के फ्लोएम से, चालनी नलिका से, तो वहां साई डब्ल्यू बढ़ जाएगा और जल वापिस जाइलम में चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा, डन। और इधर एरो लग के लिखा हुआ है शर्करा विलयन निम्न स्पीड दाब के क्षेत्र में बहता है, बिल्कुल सही बात, उच्च स्पीड दाब से निम्न स्पीड दाब में आएगा। एरो बाई डायरेक्शन लगा रखे हैं, जहां कम होगा वहीं चला जाएगा। बात समझ आई, स्पीड दाब दे रखा है यहाँ, सही बात है। हमने भी ऐसा ही कहा कि अधिक दाब है, टीपी जहां बढ़ा वहां से कम दाब पे लेके आए, अगर उल्टा होगा तो उल्टा चला जाएगा, बाई डायरेक्शन होता है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक जगह बीच में ऊपर देखो, ऊपर इस डायग्राम के जस्ट ऊपर 3 लाइन का एक पैराग्राफ है, उसमें बाई मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है, परासरणी दाब नहीं स्पीत दाब, डायग्राम में तो सही लिखा है। इसके ऊपर 3 लाइन का एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर ऊपर लिखा हुआ है जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है, हमें स्पीत दाब से मतलब है यहाँ, समझ गए, परासरणी दाब से मतलब नहीं है, क्या होगा ये स्पीत दाब होगा, टर्जर प्रेशर होगा, बाकी सही लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ के देखोगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। चलिए आ जाइए आगे, हेडिंग करो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मेखला प्रयोग कहते हैं, मेखला प्रयोग, वलय प्रयोग भी कहते हैं, रिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बातें बंद कर दीजिए, डायग्राम ड्रॉ करिए मेरे साथ। देखो डायग्राम से नहीं समझ आएगा तो फिर मैं थ्योरी लिखाऊंगा, अदरवाइज आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये तना है, ये क्या है, तना, तने की बार्क को हमें रिंग के रूप में हटाना है, तने की बार्क को रिंग के रूप में हटाना है, मतलब चारों तरफ से हटाना है, चारों तरफ से हटाना है। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बार्क को रिंग के रूप में हटाना, लिखो लिखो बार्क को, हाँ बार्क को रिंग के रूप में हटाना। अगर थोड़ी बहुत आपको एनाटॉमी की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं कि बार्क के अंदर वो सारे ऊतक हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम के हैं, बाहर की ओर होते हैं, तो यानी फ्लोएम भी है, क्या है, तो सारे जीवित ऊतक हटा लिए आपने, अंदर केवल जाइलम बच गया, क्योंकि तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर खाली जाइलम होता है और उससे बाहर सारे जीवित ऊतक होते हैं, सारे जीवित ऊतक, उसमें फ्लोएम भी है, उसमें फ्लोएम भी है, तो ऐसा होगा ये।
देखो 2D डायग्राम है, आप 3D इमेजिनेशन कर लेना, जैसे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, उसके चारों तरफ आपने एक रिंग बना दी। गेटिंग माय पॉइंट? एक रिंग के फॉर्म में आपने उत्तक को हटा लिया, तो ऊपर की बार्क और नीचे की बार्क डिस्कनेक्ट होगी। क्या होगी? डिस्कनेक्ट। तो जाइलम तो अभी भी है, तो जल और खनिज का प्रवाह तो अनवरत होता रहेगा, तो प्ररोह में ताजगी बनी रहेगी, वो प्रॉपर फ्रेश रहेगा उसको, क्योंकि जड़ से खाली जल और खनिज ही चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ सप्ताह पश्चात या एक दो महीने पश्चात क्या होगा कि यहाँ जो ये भाग देख रहे हैं ना आप, वो फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि भोजन भोजन इकट्ठा होगा, क्योंकि भोजन नीचे नहीं जाएगा, तो यहीं आकर एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो ये भोजन का एकत्रित होना है, ये भोजन का एकत्रित होना है। और इसके बाद पादप के कौन से भाग की सबसे पहले मृत्यु होगी? रूट के, क्योंकि रूट भोजन के अभाव में मर जाएगी। कब तक जिंदा रहेगी? जब तक उसके पास भोजन संचित रहेगा, क्योंकि उसके पास संचित भोजन था तो इमीडिएट डेथ नहीं होगी। जिस दिन वो भोजन खत्म हो जाएगा उस दिन रूट दम तोड़ देगी, और जिस दिन रूट दम तोड़ देगी तो फिर पूरा पादप ही दम तोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर जल और खनिज नहीं जा पाएंगे। तो ये है। तो इसके बाद जड़ की सर्वप्रथम मृत्यु, तो मृत्यु का जो क्रम रहेगा वो पहले जड़ की सर्वप्रथम मृत्यु, और फिर संपूर्ण पादप की मृत्यु। तो बार्क को रिंग के रूप में हटाना, इसी को गर्डलिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गर्डलिंग। और जब बार्क हटाएंगे तो फ्लोएम हट जाएगा, और फ्लोएम हट जाएगा तो भोजन का नीचे की तरफ परिवहन नहीं होगा, भोजन का किसका, भोजन का किस तरफ, नीचे की तरफ प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। शब्दों की जरूरत है? नहीं, बस ठीक है, चित्र सब कुछ बता रहा है। चलिए ठीक है, चलो जी, ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है। कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि ये भोजन के एक दिशीय परिवहन को प्रमाणित करता है। ठीक है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट तो एक दिशा ही बता रहा है, ये तो ऊपर से नीचे की आने की बात कर रहा है, लेकिन ये प्रयोग बताया गया था कि ये प्रमाणित करने के लिए कि भोजन का परिवहन फ्लोएम से होकर होता है और वो ऊपर से नीचे हो रहा है, क्योंकि तो ज्यादातर यही होता है। ठीक है, That's it. तो इससे ये मतलब मत निकालना कि सर यहाँ यूनिडायरेक्शनल दे रखा है। फ्लोएम परिवहन बाईडायरेक्शनल होता है, दो तरफा होता है, सीजन पे डिपेंड करेगा या पादप की आवश्यकता पे डिपेंड करेगा, ज्यादातर पत्तियों से जड़ की तरफ, लेकिन कभी कभी जड़ से कलिकाओं की तरफ, ऊपर की तरफ भी होता है जब पत्तियां नहीं रहती। डन, ये कंप्लीट होता है चैप्टर। आप हेडिंग करो नेक्स्ट पेपर, अरे बस करो भाई। तो लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही, सीरियसली बताओ, कल दिल रखने के मत करना, मतलब परेशान हो जाना चाहिए अब तक आपको मेरे से, नहीं मतलब विधि का विधान कहता है ये। हाँ हाँ बताता हूँ, नहीं नहीं मैं तो क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। क्या है देखो, मैं मिटाने जा रहा हूं तो इसलिए एक बार फिर देख लेना कि तने पर बार्क को हटाया, बार्क होती है वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे उत्तक, यानी फ्लोएम भी हट गया,
और फ्लोएम अटक गया तो भोजन नीचे नहीं जा पाएगा, भोजन नीचे नहीं जा पाएगा तो बार्क के ऊपर का भाग फूल जाएगा और कुछ दिनों बाद जड़ की मृत्यु हो जाएगी और पादप की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पादप को सबसे ज्यादा हानि कब होगी, उसकी सारी पत्तियां हटा दें तब या छाल हटा दें तब? छाल हटा दें तब पत्तियां फिर उगाएगी, लेकिन छाल हटा दी तो भोजन का परिवहन रुक जाएगा और भोजन का परिवहन रुक गया तो जड़ की मृत्यु हो जाएगी। इमीडिएट डेथ नहीं होगी, कुछ दिनों बाद होगी। डन। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, देखो जी, क्या है कि गरिमा, जो तूने क्वेश्चन पूछा है कि यहां से तो नहीं जुड़ सकती है, अंदर से बनेगी। वेस्कुलर कैम्बियम अभी भी है, वेस्कुलर कैम्बियम अभी भी है और उसकी एक्टिविटी से, उसकी एक्टिविटी से क्या होगा, नए उत्तकों का निर्माण कब होता, जब उसके पास भोजन मिलता। लेकिन इस भाग को तो भोजन मिलना ही बंद हो गया। अगर इसको भोजन मिल रहा होता ना तो ये क्या करती, सेकेंडरी फ्लोएम फिर बना देती और फिर से पादप सरवाइव कर जाता। लेकिन आपने तो उसको भोजन मिलने का जो चैनल था वो ही बंद कर दिया, तो अब इसको भोजन नहीं मिलेगा, जल मिलेगा, खनिज मिलेंगे, भोजन मिल नहीं रहा, बना ये शक्ति नहीं, तो पादप को मजबूरी बस मरना पड़ेगा। ठीक है, ये है कहानी। हाँ, एक साइड का टाइम तो नहीं मरेगा, रिंग पूरी वाले एक तरह। हाँ, ये भी ध्यान रखना भाई कि ऐसा नहीं कि तथ्य को समझने के लिए चलो किसी पादप की बार हटा के देखते हैं, किसी की जान से मत खेलना भाई, समझ गए ना, कि देखते हैं, देखिए उसने बताया बात सही है कि नहीं, महीने दो महीने बाद देख रहे हो पादप गया। तो ऐसे इस प्रयोग को प्रमाणित करने के लिए पादप की जान से खिलवाड़ नहीं करना है, बांध लेना होता है, समझ आ गई बात? हाँ, तो चलिए करते हैं आगे बात। चलो शुरू करते हैं आगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें शुरू। लड़कियों, ध्यान से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करूं। मैंने कुछ चीजें आपको लिविंग वर्ल्ड में बता रखी हैं और वो चीजें आप याद करिए फिर से। ग्रोथ के बारे में हमने वहां पे पढ़ा था। यह चैप्टर क्या कहता है कि ग्रोथ एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक है। मैं अंग्रेजी के टर्म बोल रहा हूँ, हिंदी समझा देता हूँ क्या है। इंग्लिश की एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी मिलती है, द ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है इजीली दिखने वाला, जो आंखों से देख सके, तो वो लक्षण है। डाउट पहला कि सर ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सुपरिभाषित लक्षण नहीं है, इट्स ओके, लेकिन लक्षण तो है। क्या बिना ग्रोथ के कोई सजीव उदाहरण है? हाँ, ये डिफाइनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अजीवित भागों में भी वृद्धि होती है, सरफेस एक्युमुलेशन होता है, लेकिन क्या ऐसा कोई सजीव है जो वृद्धि नहीं कर रहा? नो, चाहे स्लो ग्रोथ करे, फास्ट ग्रोथ करे, लेकिन ग्रोथ करता है, समझ गए? प्लस कॉन्स्पिक्यूअस क्यों लिखा है? दृश्य लक्षण, क्योंकि यही आपको दिखता है, बाकी सेल के नंबर बढ़ रहे हैं आप देख नहीं सकते, सेल के वॉल्यूम में प्रोटोप्लाज्म में कोई इंक्रीज होता है तो वो देख नहीं सकते। ठीक है, कॉन्शियसनेस को आप ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा, और वो केवल जंतुओं में इतनी विजिबल होती है कॉन्शियसनेस, पादपों वगैरह में कॉन्शियसनेस विजिबल नहीं होती है, लेकिन ग्रोथ है वो
एक विजिबल कैरेक्टर है, दृश्य लक्षण है, आधारभूत लक्षण है। आपको अगर किसी रिलेटिव ने लंबे टाइम बाद देखा होगा तो सबसे पहले उसने यही कहा होगा, अरे इतनी बड़ी हो गई। ये नहीं कहा होगा, अच्छा तुम्हारे तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया, हाँ तुम्हारे तो कॉन्शियसनेस भी है, चेतना है तुम्हारे, तो तुम तो स्वचेतना रखती हो। इन कैरेक्टर्स की बात नहीं होगी, समझ गए। सबसे पहला कंपैरिजन होगा कि तब उन्होंने जब देखा था और अब देखा है, अरे तू तो इतनी सी थी, तेरे को गोद में खिलाया था, हाँ। तो इसका मतलब चाहे वो व्यक्ति आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, पढ़ा हुआ है या नहीं है, उसने जो एक कैरेक्टर सबसे पहले देखा वो ग्रोथ है। तो इसीलिए ये मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, डन। अब चलिए पुरानी बातें याद करते हैं। आज तो क्या पढ़ा था हमने लिविंग वर्ल्ड में, कि ग्रोथ है वो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। लिविंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग ग्रो फ्रॉम आउटसाइड। लिविंग में ग्रोथ इरिवर्सिबल, नॉन लिविंग में रिवर्सिबल, याद है। अगली बात ये है कि लिविंग में जब भी ग्रोथ होगी मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होगा। प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, अपरिमित। इस चैप्टर में दे रखे हैं, मैंने वहीं पढ़ा दिया आपको, परिमित होती है। पादपों की वृद्धि परिमित होती है, वो जंतुओं की वृद्धि परिमित होती है, पादपों की वृद्धि अपरिमित होती है, वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, मेरिस्टेम पूरे जीवन एक्टिव रहती है, और जंतुओं की वृद्धि परिमित होती है, वो एक फिक्स एज तक वृद्धि करेंगे, उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी, फिर भोजन का संग्रह शुरू हो जाता है। तो ये ग्रोथ नहीं है, समझ गए ना। ग्रोथ है कि हाइट इंप्रूव होती, क्या होती, हाइट इंप्रूव, फिर पता चला सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ द्वितीयक वृद्धि हो रही है, यानी भोजन का संग्रह। वो डायग्राम मिटा दिया जैसे उसमें रिंग, क्योंकि भोजन जा रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा, तो शरीर में उसका संग्रह होता जा रहा है, तो जो जो खाया है पिज्जा बर्गर वो शरीर पे बन जाते हैं, समझ गए ना। मैं मतलब मेरे ख्याल से उतना अनफिट नहीं हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बिजी लाइफ है, लेकिन अभी जैसे ही आपकी फेस फ्री करूंगा 2-4-5 किलो जो भी एक्स्ट्रा है वो कम कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं नहीं दोबारा, लेकिन थोड़ी वेस्ट जिंदगी रहती है, थोड़ी जिंदगी वेस्ट रहती है, तो उस कारण से हाँ ये स्वीकार करता हूँ कि इन दिनों मतलब पूरा साल ही हो गया समझ लीजिए, ज्यादा समय नहीं दे पाए हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा खास। पहली बार ही मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि मैं पूरे साल इतना मतलब इनएक्टिव रहा हूँ, नहीं तो वंस अपॉन, एक बार मेरा वेट 100 kg था, फोटो में देखा था ना, हाँ बहुत ही बुरा, मतलब कॉलेज से जब पास आउट हुआ था तो पास आउट होने के बाद एक लेजी लाइफ स्लोथ पेयर की जिंदगी जी रहा था, और उस समय बहुत ही बुरा हाल था भाई, कुछ मतलब खा लिया कुछ भी जो मन में किया, ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन लाया, और हाथी की तरह तो मुद्दे पे आते हैं, तो क्या है कि अगर एक एज के बाद आप वेट बढ़ने को ग्रोथ नहीं कह सकते, वो अतिरिक्त भोजन का संचय है मसल्स में, हाँ, और उसके लिए बॉडी आपका कितना कहना मानती है कि जो आप अतिरिक्त फैट अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट लाके देते हैं शरीर को, उसके लिए नए टिश्यू बनाती है, एडिपोज टिश्यू, और मसल्स भी भर भर के अपने अंदर फैट को स्टोर करती है, समझ आगे, हाँ, उस अवस्था से बचना। अब देखो क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ग्रोथ प्लांट के अंदर है, तो डाइकोट प्लांट है तो दो टाइप की ग्रोथ होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर मोनोकोट है तो केवल वन शॉट में प्राइमरी ग्रोथ होगी, बात समझ आ रही है। अगली बात पे आते हैं। अगली बात ये है कि जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो स्टेम सेल्स की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, लेकिन जब प्लांट की बात करते हैं तो मेरिस्टेम की फिक्स लोकेशन है, तो वहां पे लोकलाइज ग्रोथ होती है, बल्कि एनिमल्स में डिफ्यूज ग्रोथ होती है। हाँ, प्लांट में स्टार्टिंग की ग्रोथ
जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक डिफ्यूज्ड हो सकती है, डिफ्यूज्ड हो सकती है। फिर अगली बात ये है, आप मुझे बताइए कि क्या ग्रोथ है वो मेजरेबल है, मापन योग्य है, समय के विरुद्ध आप इसको माप सकते हैं, पहले 40 किलो, फिर 60 किलो, फिर 80 किलो, तो समय के विरुद्ध आप इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर एक जीव की वृद्धि होती है तो उसका जैव भार बढ़ता है। पैरामीटर ऑफ ग्रोथ एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे जैव भार में वृद्धि, ताजा भार और शुष्क भार। फिर नंबर दो पे आता है एरिया में वृद्धि, जैसे लीफ का एरिया बढ़ेगा, लीफ की लंबाई नहीं बढ़ेगी, लीफ का एरिया बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर तीन, तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है, तने और जड़ की लंबाई, एक जीव को कहते हैं तो हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है उसकी, बात वही है। फिर आता है कि कोशिका की संख्या में भी वृद्धि होती है और आयतन में भी वृद्धि होती है, अंदर जो जगह बढ़ रही है वो आयतन है। इसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आना तो नहीं चाहिए इस पे कभी क्वेश्चन, कि तरबूज में अंडाशय से लेकर परिपक्व फल बनने तक कोशिका का आयतन 350,000 गुना तक बढ़ जाता है, और मक्के के शीर्ष विभाजोतक में प्रति घंटे 17,500 नई कोशिकाएं उत्पादित होती है, 17,500 नई कोशिकाएं उत्पादित होती है। ये दो एग्जाम्पल दे रखी है, डन। सारांश ये है बात का कि वृद्धि मापन योग्य है, वृद्धि को समय के विरुद्ध माप सकते हैं, जैसा पैरामीटर है उसी के अनुसार मापन की इकाई यूज करेंगे, जैसे अगर लंबाई या ऊंचाई मापना है तो मीटर स्केल, भार मापना है तो वेइंग मशीन, तुला, ठीक है। और अगर आपको किसी पादप का व्यास, सर्कमफेरेंस, डायमीटर मापना है, मोटाई में वृद्धि, तो इंची टेप, क्या होगा, इंची टेप, डन। तो जैसा, और अगर काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग होगी, अगर नंबर की ग्रोथ देखनी है तो काउंटिंग करना पड़ेगा कि पहले एक था, फिर दो, चार, आठ, दस, जितना भी है वो काउंटिंग की जाती है। अगली बात पे आते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ इसको हम पढ़ेंगे, इसका टूटा फूटा रूप है वो सेल बायो में पड़ा हुआ है, आप हेडिंग करो फेजेस ऑफ ग्रोथ, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, हाँ बस ये कंप्लीट करवाता हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगा भाई, ऐसी मेरी हिम्मत की मैं आप लोगों की बात नहीं मानू, देखो मतलब प्रयास करता हूँ, एकदम स्ट्रेट तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो जैसे कोई क्लास हो रही हो ना तो ठीक है कि शेड्यूल को मर्ज कर लिया, चेंज कर लिया, मैंने आपको बताया था कि एक रिकॉर्डिंग शेड्यूल है, मतलब एक टॉपिक है जो मुझे रिकॉर्ड करना है, बाकी लगभग कई सारी चीजें उसमें हो चुकी है, तो वो पेंडिंग चल रहा है, समझ आई बात, तो हाँ करते हैं, कोशिश करते हैं, पहले भी एक बार चेंज कराया बीच में, मतलब बेसिकली 20 जनवरी से जाना था मुझे उसमें, 15 जनवरी का टाइम था लेकिन 20 से जाना था, तो फिर एक बार ड्रॉप किया कि 27 तक हो जाएगा, बीच में ये सोल्यूशन था कि उससे पढ़ा दो डिजिटल स्लाइड से, थोड़ा मुश्किल हो जाता, फिजियो में नहीं आता समझ में, मेरा भी मन नहीं मानता उसके लिए, तो इसके लिए तो ठीक है करते हैं बात, अभी 2-3 दिन का टाइम है अपने पास, 26 की छुट्टी भी है बीच में, तो 25, 26, 27 में कुछ रिजल्ट निकल ही जाएगा, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक है, मतलब उसको एक तो होता है कि हाँ सब थ्योरी है, तो स्लाइड से दिखा दो, जल्द जल्दी बोल दो, क्लास में सुना दो, मैं पढ़ाऊंगा फिर इसी तरीके से, समझ गया ना, अच्छा इसीलिए पढ़ना है, तो पढ़ाऊंगा फिर ऐसे ही लिखवा के, डायग्राम बनवा के, और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तरीका, तो चलिए लड़कियों, रूट टिप के बारे में थोड़ा आइडिया है, टिप के ऊपर कौन सा मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद इलोंगेशन फेज आती है, फिर मेचोरेशन फेज आती है, तो पादप में वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मेचोरेशन फेज, पक्का लिखो आप, वृद्धि की तीन प्रावस्थाएं होती है,
पहला लिखो मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज यानी विभज्योतक प्रावस्था। विभज्योतक प्रावस्था कहाँ होगी? तने और जड़ के ये शीर्ष पर। पहले सुन लो, तने तथा जड़ के शीर्ष पर सतत रूप से विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है जो इस प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। पक्का? वो जन्म से लगातार विभाजन ही कर रही है, अविभेदित कोशिकाएं हैं। क्या होती है? अविभेदित कोशिकाएं जिनका भी कभी विभेदन नहीं हुआ, और इस पूरे पादप का निर्माण वही खाली मेरिस्टेमेटिक सेल ही करती है। ऑल्दो वो क्षेत्र खाली कुछ मिलीमीटर का है, लेकिन वो इतना लंबा पादप बनाने के लिए पर्याप्त है। मूल तथा तने के शीर्ष पर, मूल तथा तने के शीर्ष पर, मूल तथा तने के शीर्ष पर सतत रूप से विभाजन करने वाली अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, अविभेदित कोशिका अनडिफरेंशिएटेड सेल है, क्योंकि अभी तक इनका कभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। मूल तथा तने के शीर्ष पर सतत रूप से विभाजन करने वाली अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं, सतत रूप से विभाजन करने वाली अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है जो इस प्रावस्था को दर्शाती है, जो इस प्रावस्था को दर्शाती है। जो इस प्रावस्था को दर्शाती है चारित्रिक लक्षण क्या क्या होंगे? देखो लड़कियों, याद करिए, सेल बायो में जो विभाजन करने वाली कोशिकाओं के चारित्रिक लक्षण लिखे थे वो सारे इसके हो जाए। आकार छोटा, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट जो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद है ना? प्रोटोप्लाज्म डेंस सघन, केंद्रक बड़ा, प्लाज्मोडेसिमल कनेक्शन ज्यादा, अंतरकोशी के अवकाश अनुपस्थित। लिख दो चारित्रिक लक्षण, लिखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज, चारित्रिक लक्षण लिख दीजिए। चारित्रिक लक्षण, पहला चारित्रिक लक्षण लिखो, कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, कोशिकाएं आकार में छोटी होती है तथा प्लाज्मोडेस्मेटा संबंध अधिक संख्या में होते हैं। एनसीईआरटी गिवन लाइन है ये, कोशिकाएं आकार में छोटी होती है तथा प्लाज्मोडेस्मेटा संबंध अधिक संख्या में होते हैं, तथा प्लाज्मोडेस्मेटा संबंध अधिक संख्या में होते हैं। स्मॉल साइज सेल विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन, ऐसे लिखा मिलता है बुक में। तो प्लाज्मोडेस्मेटा संबंध अधिक संख्या में होते हैं। दूसरा लक्षण लिखो, अंतरकोशी के अवकाश या तो अनुपस्थित और या उपस्थित होंगे तो बहुत छोटे होंगे। लिखो आप, अंतरकोशी के अवकाश अनुपस्थित होते हैं, अंतरकोशी के अवकाश अनुपस्थित होते हैं, यदि उपस्थित होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, यदि उपस्थित होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, इफ प्रेजेंट देन वेरी स्मॉल, यदि उपस्थित होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, हाँ ज्यादातर तो अनुपस्थित ही होते हैं। नंबर तीन, क्या? कोशिका भित्ति पतली प्राथमिक और सेलुलोज की बनी होती है। ये सेम लाइन हमने प्राथमिक कोशिका भित्ति में लिखी। लिखो आप, कोशिका भित्ति पतली प्राथमिक तथा सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति पतली प्राथमिक तथा सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति पतली प्राथमिक तथा सेलुलोज की बनी होती है। नंबर चार, क्या? जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़ा,
सुस्पष्ट लिखवा जीव द्रव्य सघन, क्योंकि संश्लेषण गतिविधियां जोरों से चल रही है, कोशिका उत्साहित है कि उसे विभाजन करना है, तो वो हर तैयारी पूरी कर रही है जो चेक पॉइंट पे चेक होगी। तो क्या है, जीव द्रव्य सघन तथा केंद्रक बड़ा व स्पष्ट होता है। जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़ा व स्पष्ट होता है, बड़ा व स्पष्ट होता है, ये लक्षण है। हाँ, वेक्यूल भी एब्सेंट होगी, क्रिस्टल वेक्यूल ये सब क्या होते हैं, मृत पदार्थ, ये सब एब्सेंट होते हैं, ये मैच्योर सेल्स में मिलते हैं। नंबर दो पे आते हैं, कौन सी प्रावस्था, इलोंगेशन फेज, दीर्घीकरण प्रावस्था। 5 मिनट धैर्य रख लोगे ना, इलोंगेशन फेज हिंदी में बोलते हैं दीर्घीकरण प्रावस्था, दीर्घीकरण प्रावस्था। ध्यान से सुनना, देखो जी क्या है, विभज्योतक प्रावस्था के पास में जो फेज होगी वो इलोंगेशन फेज होगी। कहानी आप ऐसे समझो, नई कोशिकाएं बनी और बनते ही वो इलोंगेशन फेज में गई ताकि वो क्या हो सके, इलोंगेट हो सके, साइज को बढ़ा सके और फिर डिफरेंशिएट हो सके। तो जो कोशिकाएं विभज्योतक क्षेत्र के समीप स्थित होती है वो दीर्घीकरण प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। देखो जो कोशिकाएं विभज्योतक क्षेत्र के समीप स्थित होती है, जो कोशिकाएं विभज्योतक क्षेत्र के समीप स्थित होती है दीर्घीकरण प्रावस्था को दर्शाती है। जो कोशिकाएं विभज्योतक क्षेत्र के समीप स्थित होती है दीर्घीकरण प्रावस्था को दर्शाती है। चारित्रिक लक्षण लिखिएगा, हेडिंग करो चारित्रिक लक्षण। बस 30 सेकंड और दीजिए, मैं ये लिखूं। हाँ देखो क्या है लड़कियों, मैं हिंदी में आपको लिखवा दूंगा, इंग्लिश में आप देखो क्या लिखा मिलता है। इंक्रीज वेकुलेशन यानी रिक्तिकाओं की संख्या में वृद्धि। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि सेल एनलार्ज तब तक नहीं होगी जब तक अंदर जल नहीं जाएगा, और जल को होल्ड करने के लिए वेक्यूल चाहिए, तो इसलिए लिखा जाता है इंक्रीज वेक्यूलेशन। इंक्रीज वेक्यूलेशन होगा तो सेल एनलार्जमेंट होगा, कोशिका दीर्घित होगी, टीपी लगेगा और कोशिका दीर्घित होगी। और डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटीरियल, जस्ट इमेजिन कि अगर हम किसी कपड़े को जो थोड़ा जिसमें इलास्टिसिटी है तो उसको ऐसे खींच दें तो वो काफी पतला सा कमजोर सा दिखने लग जाता है, जीना जीना सा। तो ऐसे ही सेल वॉल के साथ होगा, ऐसे ही सेल वॉल के साथ होगा, तो सेल वॉल अब उतनी मजबूत नहीं रही पहले जैसी, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाए कि उसके वॉल मटेरियल को उस पर डिपॉजिट कर दिया जाए ताकि वो ऐसे इलोंगेट ही रह जाए। समझ आ गया? तो पहले वेक्यूलेशन इंक्रीज होगा, फिर सेल एनलार्ज होगी, फिर सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन किया जाएगा। इसीलिए हमने लिखा था कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता पाई जाती है, उसमें वे भी थे तो जहां तक तन सकते थे हमने तान दी। डन, लिख दिया चारित्रिक लक्षण में। पहला लिखो रिक्तिकाओं की संख्या में वृद्धि, रिक्तिकाओं की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज वेकुलेशन कहते हैं इसको, रिक्तिकाओं की संख्या में वृद्धि। डन, नंबर दो लिखिए, कोशिका दीर्घीकरण। यस, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण। नंबर तीन,
नए वित्तीय पदार्थों का जमाव, लिखिए नए वित्तीय पदार्थों का जमाव, नए वित्तीय पदार्थों का जमाव, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल बोल, नए वित्तीय पदार्थों का जमाव। तीसरी प्रावस्था लिखो, मेचोरेशन फेज, मेचोरेशन फेज कौन सी अवस्था, परिपक्व अवस्था लिखो, मेचोरेशन फेज। ध्यान से सुनना, जो कोशिकाएं दीर्घीकरण, जो कोशिकाएं, ये किसके अपने उंगली की गई है ना, तो लिखिए, जो कोशिकाएं दीर्घीकरण प्रावस्था के समीप होती है वो कौन सी अवस्था है, परिपक्वन लिखो। जो कोशिकाएं दीर्घीकरण, जो कोशिकाएं दीर्घीकरण प्रावस्था के समीप होती है, परिपक्वन प्रावस्था को दर्शाती है। जो कोशिकाएं दीर्घीकरण प्रावस्था के समीप होती है, परिपक्वन प्रावस्था को दर्शाती है। जो कोशिकाएं दीर्घीकरण प्रावस्था के समीप होती है, परिपक्वन प्रावस्था को दर्शाती है। ठीक है, पहले सुनना, चारित्रिक लक्षण लिखना मत पहले, क्या है देखो, ऐसे लिखा मिलता है। पहले इंग्लिश की लाइन सुनना, वो बड़ी मीनिंगफुल सी लाइन है, क्योंकि हिंदी में तो लिखा हुआ ही गलत है एनसीईआरटी में, तो मैं सही करके लिखाऊंगा आपको। क्या है देखो, कि व्हेन सेल अंडरगोज मेच्योरेशन, जब कोशिका परिपक्वन में जाती है, तो करेक्टराइज बाय वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन, यानी भित्ति जमाव होता है और जीव द्रव्य में रूपांतरण होते हैं, जीव द्रव्य में रूपांतरण होते हैं, और इस प्रकार ए सेल अटेन ए मैक्सिमल साइज, मतलब एक कोशिका अपने अधिकतम आकार को ग्रहण कर लेती है और एक फिक्स कार्य करना शुरू कर देती है। लिखिए आप चारित्रिक लक्षण लिखो, और पॉइंट मत डालना, एक ही लाइन में लिख देना, चारित्रिक लक्षण लिख दो इसका। जब कोशिका परिपक्वन होती है, जब कोशिका परिपक्व होती है, ऐसे लिखो चाहे, जब कोशिका परिपक्व होती है तो जब कोशिका परिपक्व होती है तो भित्ति जमाव, भित्ति जमाव तथा भित्ति जमाव तथा जीव द्रव्य में रूपांतरण के पश्चात, जीव द्रव्य में रूपांतरण के पश्चात जीव द्रव्य में रूपांतरण के पश्चात अधिकतम आकार ग्रहण कर लेती है, अधिकतम आकार ग्रहण कर लेती है, अधिकतम आकार ग्रहण कर लेती है, तथा एक निश्चित कार्य करना, एक निश्चित कार्य करना शुरू कर देती है। एक निश्चित कार्य करना शुरू कर देती है। डन, जैसे समझना एग्जाम्पल से, जैसे जिस कोशिका को वाहिका और वाहिनी का बनना तय हुआ, उसकी भित्ति लिग्निफाइड होकर बहुत ज्यादा मोटी हो गई, ठीक है, और उसने जीव द्रव्य का त्याग ही कर दिया और वो मृत हो गई, क्योंकि जल और खनिज के परिवहन के लिए मृत होना आवश्यक था। जो कोशिका पर्णमध्योतक बनी, उसने क्लोरोप्लास्ट को अटेन कर लिया, किसको, क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट को अटेन करके वो भोजन बनाने का काम करने लग गई, तो इस प्रकार से अब वो कोशिका जीवन पर्यंत वही काम करेगी। बात समझ आई, तो भित्ति में भी मॉडिफिकेशन होगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, और प्रोटोप्लास्ट में भी एज पर फंक्शन चेंजेस होंगे। जैसे सिव ट्यूब बनने वाली कोशिका है, तो उसका केंद्रक